जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का सफाई आदि को लेकर निरीक्षण किया गया। बीरभट्टी मोहल्ले में रिक्त भूमि एवं उसके कुछ बने मकानों के अभिलेखीय आधार पर स्वामित्व के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। स्टेडियम रोड पर बन रहे डिवाइडर में पुरानी ईंट लगते पाए जाने पर निर्देशित किया कि निर्माण कार्य एस्टीमेट का परीक्षण पुरानी ईंट के प्रावधान की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि एस्टीमेट के अंदर कार्य हो रहा है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसका कार्यवाही करें। इसी मार्ग पर नाले में गंदगी व उस पर पक्के निर्माण कार्य को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए अपर नगर आयुक्त को कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। सैटेलाइट बस अड्डे पर भी निरीक्षण के समय गंदगी पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। यहीं पर स्थित रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड पर सफाई किए जाने के निर्देश दिए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण महाअभियान का जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। 12 दिसंबर को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आज मोहल्ला सुभाष नगर में राशन की उचित दर की दुकान पर कार्ड धारकों के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं, चना, नमक व रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का वितरण कराकर राशन वितरण के महाअभियान का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के साथ प्रति कार्ड धारक को 1 किलो चना, 1 किलो नमक तथा 1 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों हेतु 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों हेतु 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ आज दिनांक 12 दिसंबर को जनपद बरेली में 90% उचित दर दुकानों पर आरंभ कराया गया। जनपद की राशन दुकानों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण अथवा नामित नोडल अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ये जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने दी। मुफ्त डबल राशन वितरण अभियान के अंतर्गत संजय नगर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ सरकारी योजना एवं अभियान समन्वयक शहर विधानसभा प्रभारी भाजपा मीडिया प्रभारी प्रतिपाल सिंह बंटी ठाकुर ने राशन वितरण कर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया कि सरकार हर मुश्किलों में आपके साथ है क्योंकि सोच ईमानदार और काम दमदार है। मुफ्त राशन वितरण में गेहूं, चावल, खाद्य तेल और दाल नमक वितरण कर रही है। उन्होंने सरकार के हर पहलू की विस्तार से जानकारी दी और सरकार की उपलब्धियों को भी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर मुश्किल में आपके साथ है। इसी अभियान के अंतर्गत यह निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रभात पटेल, कुसुम कुमारी, पारस सिंह, अली जान, आसिफ रजा, मनोज कुमार, हरविंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आंवला तहसील के ग्राम सिरोही में सुप्रसिद्ध देवस्थान है। पिछले 15 वर्षों से लगातार सिरोही मणि के नाम से देवस्थान भी है। वहां पर बाबा अमृतदास खाकी लगातार पूजा पाठ, भंडारा, गरीबों की मदद इत्यादि कार्य लगातार कर रहे हैं। 2010 से 2015 तक बाबा अमृतदास खाकी सिरोही ग्राम पंचायत के प्रधान भी रहे और आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के ब्लॉक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बाबा जी का जन्म स्थान बिहार पूर्वी चंपारण है। महाराज जी ने अपने बाल्यकाल से ही संन्यास धारण कर लिया है। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा जंगलात द्वारा मठ बेगम बाजार अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा अयोध्या चित्रकूट राम आश्रम के पूज्य श्री महंत जगदेवदास खाकी जी महाराज ने बाल्यकाल में ही अपना शिष्य एवं पुत्र स्वीकार कर लिया। गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या में व्याकरण एवं साहित्य से आचार्य की डिग्री की है। रामानंद वेदांत से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। सन 2014 में खाकी अखाड़ा ने नागा बाबा बने। 2022 में साधु समाज द्वारा आंवला मंडल द्वारा तीनों अनि अखाड़ा निर्माणी अखाड़ा दिगंबर, अनि अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा एवं सुदर्शन भेज भगवान के द्वारा महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। 2020 के यूपी महोत्सव में यूपी गौरव रत्न से सम्मानित भी किया गया। 2020 में ही खर दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के पूज्य संतों द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता को एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश भर में श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विगत 30 वर्षों से पूरे देश में सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार यात्रा लगातार चल रही है। धर्म जागरण समन्वय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पावन सानिध्य में तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के बुटवल तक हिंदू जन जागृति का कार्य किया गया। राजा सुहेल देव के किला मुक्ति के लिए जनपद बहराइच में स्वामी अतेंद्र आनंद गिरी जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर हिंदू जागृति का कार्य किया। पूज्य गुरुदेव का हमको बचपन में ही सानिध्य मिल गया था और पूज्य गुरुजी ने हमारे परिवार से एक तरह से पुत्र की तरह हमारे यहाँ लिखा पढ़ी में लिया जाता है पुत्र को, तो हमारे गुरुजी ने हमको अपने गोद स्वीकार कर लिया और उनके ही सानिध्य में फिर मेरे जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूज्य संतों के ही चरणों में मेरा बचपन बीता। सांगोपांग तरीके से मैंने वहाँ अध्ययन किया और उसको पढ़ने के बाद में मुझे गुरुजी की ये आज्ञा मिली कि आपको राम कार्य करना है।
राम कार्य का मतलब होता है कि समाज में भेद को मिटाना। सबसे पहला काम तो हमारे जिस संप्रदाय में मैं साधु बना उस संप्रदाय का नाम है श्री रामानंद संप्रदाय। उस संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु स्वामी रामानंद आचार्य जी भगवान ने ये कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सो हरिका हुई। तो उस यात्रा को लेकर के मैं मेरे गुरु जी की आज्ञा से मैं निकला और हम लोगों की अखाड़े के द्वारा एक तरह से नियत स्थान पर आपकी एक सेवा तय की जाती है। हमको आज से 16-17 साल पहले बरेली में सेवा प्राप्त हुई। बरेली में जिस आश्रम पे आज मैं हूँ ये आश्रम पूरी तरीके से उजड़ गया था, बर्बाद था। यहाँ की एक एक इंच भूमि, तमाम